नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है सीएसडी कैंटीन से एफडी आइटम जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक और कार ऑनलाइन मिलना शुरू हो चुका है। इस ऑनलाइन बुकिंग से कस्टमर का बहुत सारा कागजी कार्रवाई का काम खत्म हो गया है, या ऐसे कहूं कि अब आपको अपने ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आप आसानी से अपने घर बैठ करके मोबाइल या लैपटॉप से एफडी आइटम ऑनलाइन वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहले आपको सीएसडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उस टॉपिक पर हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो की मदद से आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दूसरा काम करना होता है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट का। जैसे कि आपको पता होगा कि सीएसडी की जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं उसके लिए हमें एक अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना होता है। ये अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका डीलर देता है, मतलब जिस दुकान से या जिस डीलर से आप सामान खरीदेंगे वो डीलर आपको लिख के देता है कि इतने समय में ये आपको सामान हम प्रोवाइड कर देंगे और उस सामान की रेट हम ये लगाएंगे। तो जब सीएसडी ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी, मतलब आप अपना ऑफलाइन ही सामान बुक करते थे सीएसडी से, उस समय आप अपना अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले लाते थे। लेकिन जब से सीएसडी की ये ऑनलाइन वेबसाइट शुरू हुई है, या फिर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन सामान बुक करना चाहते हैं, उस केस में आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अपने डीलर से पहले नहीं लाना है। इन केस अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ऑर्डर आप बुक करेंगे उसके रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो रेट आपका डीलर आपके अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट में लिख कर देता है, उस रेट का आपकी जो ऑनलाइन वेबसाइट पर उस आइटम की रेट है, उन दोनों का मैच होना जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जो ये सर्च बार है उसमें अपने आइटम का नाम सर्च करना है। यदि आपको उस आइटम का इंडेक्स नंबर पता है तो आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर से भी उस आइटम को सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना आइटम का नाम डाल करके उसे सर्च करेंगे, आपको आपकी स्क्रीन पर वो आइटम दिखाई देगा और उसके नीचे उस आइटम की रेट भी लिखी होती है। यदि यहाँ पर जो ये रेट है वो किसी रेंज में लिखा होता है, मतलब फिक्स अमाउंट नहीं लिखा होता है, उस केस में आपको यहाँ नीचे चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ये जो डिटेल है उसको पूरा भरना है। डिटेल को भरने के बाद आपको यहाँ नीचे एक फिक्स अमाउंट दिखाई देगी, उस अमाउंट को आपको नोट कर लेना है और उसी अमाउंट का आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट डीलर से लेकर आना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट और ये ऑनलाइन वेबसाइट की जो रेट है उस आइटम की वो दोनों सेम होती है और आप अपना ऑर्डर बुक करते हैं, तो आपका ऑर्डर मैक्सिमम 2 से 3 दिन में अप्रूव हो जाता है। आप 2 से 3 दिन के बाद ही जाकर के अपना परचेज ऑर्डर ले सकते हैं और उसके बाद अपना सामान अपने डीलर से ले सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको आपके पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए आप अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट और इस पैन कार्ड की कॉपी को अपने मोबाइल में या फिर आपका जो लैपटॉप जिससे आप बुकिंग करेंगे उसमें पहले से सेव करके रखें। सीएसडी कैंटीन की ऑनलाइन वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं उस टॉपिक पर हमने एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने एक बाइक बुक किया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखकर आप ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।